बीजापुर और हम्पी ट्रिप के लिए जिस दिन मैं घर से निकला उस दिन गणेश चतुर्थी था, तो दोपहर को घर पहुंचकर थोड़ा सा सोया, आराम किया और शाम को उठ के वहाँ जो देखा, दैट वॉज इलेक्ट्रीफाइंग। पूरा का पूरा गणेश चतुर्थी का माहौल था। सबसे पहले तो गणेश लाया गया, उसका स्थापना किया गया, बैंजो के साथ डांस हुआ, पार्टी हुआ जबरदस्त, फिर आरती हुआ, उसके बाद घर में भी आरती हुआ, और ये आप इस वीडियो में देखेंगे आज। नमस्ते, आप सबका स्वागत है ट्रैवलिंग इज ऑसम में। जिस ट्रैक्टर में गणपति बाप्पा को लाया गया उस ट्रैक्टर का आरती उतारा गया। गणपति को ट्रैक्टर से उतारा जा रहा है अभी, और बिना किसी प्रॉब्लम के स्ट्रेट ए वन शॉट में इसे स्टेज पर ले जाया गया। तीन ग्रुप्स बने हुए थे, एक ट्रैक्टर के ऊपर, एक नीचे और एक स्टेज के ऊपर। तीनों ने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करके गणेश जी का स्थापना कर दिया। गणेश जी के आने के बाद, उनके स्थापना के बाद, गांव के पांच औरतें उन्हें टीका लगा रहे थे, चंदन और हल्दी का और कुमकुम का। गणेश जी के आगमन के खुशी में पूरा का पूरा गांव सराबोर था, खुशी में दबा के नाच रहे थे सब। और देखते ही देखते आरती का समय आ गया।
सार्वजनिक पंडाल में आरती होने के बाद अपने अपने घर में भी आरती हुआ। मैंने इसका एक छोटा सा क्लिप ये शूट किया। ये जो आप देख रहे हैं ये गौरी गणपति है। गणेश जी के आगमन के वक्त पूरा का पूरा गांव उधर मौजूद था, तो मैंने सब लोगों को इकट्ठा कर वहाँ पे खड़े रहने के लिए कहा और मैंने ये शूट किया एज ए इंट्रो वीडियो।